हेलो everyone and एंड वेलकम बैक टू YouTube यूट्यूब चैनल आपको करियर गाइड अ कम्प्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स तो फिर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विप्रो एल टी एन टी एच टू पॉइंट टू जो भी करंट में जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और जितने भी इंटरव्यू हुए हैं फ्रेंड उसके बारे में बताने वाला हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि आई टी सभी के लिए है टोटल नाइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि क्रेडिट जाता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप से ही मैंने सारे के सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को उठा उठाकर मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ और इसमें कुछ आप लोग के डाउट्स में मैं सॉल्व करने वाला हूँ सर रिजल्ट को लेकर क्या इसके बाद और कोई राउंड्स होने वाले हैं क्या इसमें चांसेस क्या है रिजेक्शन और सिलेक्शन का तो सब कुछ बताने वाला हूँ तो प्लीज वॉच वीडियो वॉ व बिकॉज बिकॉज आई विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन जरूर हो जाना फ्रेंड क्योंकि वहाँ पर आप लोग ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने डाउट्स को अपने क्वेरीज को वहाँ पर सेंड करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको अपडेट्स वगैरह वहाँ से मिलता रहेगा तो so चलिए फिर जी फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं चलिए फिर स्टार्टिंग से बात करते हैं तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर ओके ले okay, तो चलिए यहाँ पर मैं पहन लेता हूँ ओके तो यहाँ पर जो है बेसिकली तो फिर यहाँ पर जो है आई गिवन इंटरव्यू सी एस सी टूडे एट टेन फिफ्टीन ए मतलब अभी के अभी जस्ट सेकेंड फरवरी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था इंटरव्यू आज मी ओनली एच आर क्वेश्चन लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टेल मी अबाउट योर अकेेडमिक प्रोजेक्ट हाउ मेनी पेम्बर आर देर इन योर प्रोजेक्ट मैं पह, मैंने पहले बता चुका हूँ फिर विप्रो के बेसिकली जो है आपको ज्यादा वो फोकस करते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर में और हमेशा प्रोजेक्ट को दो में ही मैंशन करना एक आपका सिंगल है आपका ग्रुप uh, प्रोजेक्ट जो मैं ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ हाउ टू हैंडल इफ एनी टीम मेम्बर डिस विद द प्रोजेक्ट मतलब ज़्यादातर ये लोग प्रोजेक्ट पर ही फोकस कर क्योंकि फिर आपका रोल ही होने वाला है प्रोजेक्ट इंजीनियर दैट्स वाई दे आर मोर फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑन यूर प्रोजेक्ट ओके क्योंकि यह आपका जो रोल है बेसिकली प्रोजेक्ट इंजीनियर का होने वाला है दैट्स वाई ओके दे आर दे आर मोर कंसर्निंग फॉर द कैंडिडेट्स आर मोर कंफर्टेबल विद द प्रोजेक्ट हाउ यू हाउ यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन योर फाइनल ईयर योर इन पर्सनल प्रोजेक्ट ओके वाई चूज जावा फैमिली बैकग्राउंड बैकलॉग गेप इन एडुकेशन एंड एंडस कॉल तो देखेंगे काफी ईजी राउंड था यह आपका पहला कंप्लीट ये पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओके okay. चलिए सेकंड देखते हैं विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंटरव्यू डन इंट्रोडक्शन वाई आई टी हैविंग टेक्निकल स्किल्स इन मैकेनिकल मतलब ये मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं ओके व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस रिटन में मतलब इन्होंने रेजूम एसन करता मैं मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जिन जिन लोगों का मैंने जो है मॉक इंटरव्यू लिया था विप्रो के प्लेटफॉर्म टॉप मेडोटो के प्लेटफॉर्म पर तो मैंने उन लोगों को बताया भी था कि वो लोग रेज्यूमे पर ज्यादा आप लोग फोकस करेंगे रेज्यूमे से भी कुछ क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं वाट इज पाइथन डिफाइन क्लास स्कोप रिलोकेशन बॉन्ड ओवर कंप्लीट ओके तो फिर ये आपका हो गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस नंबर टू सो लेट्स बिगिन थ्री टुडे आई गिव माय इंटरव्यू फॉर बीपो इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे देखेंगे तो बस प्रोजेक्ट ओनली दे आर आस्किंग मोर आस्किंग डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट क्योंकि आपका रोल ही है प्रोजेक्ट इंजीनियर दैट्स वाई देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट ये आपका हो गया है प्रोजेक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस नंबर थ्री ना ये टू ये थ्री चलिए फोर देखते हैं ये आपका हो गया फोर बैच टू सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्रोग्रामिंग एंड पेलीड्रॉम सिक्वेंस अबाउट प्रोजेक्ट रोल इन प्रोजेक्ट लोकेशन डन देखिए तो आपको प्रोजेक्ट के ऊपर में काफी पूछा गया है ओके मोर आर मोर फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओनली एच आर क्वेश्चन रिलोकेशन मतलब काले की और एच आर एच आर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओके okay, बता दो फ्रेंड ये आपका बिजनेस बिजनेस डिस्कशन राउंड है तो बेसिकली इसमें आपका टेक्निकल और आपका एच आर दोनों होते हैं बट राइट नाउ विप्रो इज ओनली आस्किंग फॉर द एच आर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स ओके बिकॉज दे विल नॉट गोइंग टू भी रिजेक्टेड यू आफ्टर गिविंग योर इंटरव्यू सो देर विल बी अट्टी टू नाइनटी परसेंट चांसेज आर देयर हु गिव इंटरव्यू इन नाव डेज दे आर गोइंग टू बी क्वालिफाई

आप देखेंगे तो आपका आगे है तो ये, ये कौन सा नंबर का था आई आई थिंक ये आपका चार ये आपका हो गया पाँच ओके फिफ्थ है ये और ये आपका हो गया सिक्स फिर देखेंगे तो, देखेंगे तो ये आपका मैकेनिकल का है ओके तो इंट्रोड्यूस सेल्फ ओप्स कॉन्सेप्ट रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ एब्रेक्शन प्रोजेक्ट क्वेश्चन और प्रोजेक्ट देखेंगे तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ओके रेडी टू रिलोकेट अगर मान लो फ्रेंड इफ दे आर आस्किंग टू यू आर टेक्निकल क्वेश्चन इफ यू डोंट नो अबाउट द टेक्निकल पार्ट जस्ट टेल देम सर आई डोंट रिमेंबर आइट नो आर आई डोंट हैव एनी नॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स सो देट सो दैट दे के लाइक मूव टू द योर प्रोजेक्ट पार्ट बिकॉज दे आर नॉट मोर कंसर्निंग इन द प्रोजेक्ट पार्ट दट्स वे बैकलॉक एडुकेशन के अलॉन्ग टर्म मतलब टी आर वी प्रोज कंडक्टिंग टी आर प्लस एच आर इन बोथ द सिंगल डे ओके सो आई थिंक ये कितना नंबर का था मैं भूल गया छके सवन ओके सेल्फ इंट्रो मीनिंग ऑफ कोलाबरेसन मीनिंग ऑफ कल्चर मीनिंग ऑफ लर्निबिलिटी विलिंग टू रिलोकेट वैक्सीनेटेड वर्क ट्वेंटी फोर आवर्स सर्विस एग्रीमेंट तो इन इनसे तो कुछ ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया था ठीक है काफ़ी अच्छा है आगे देखते हैं तो ये आपका कितना नंबर था ये सॉरी सेवन uh, और ये रहा आपका एट इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेल्फ इंट्रोडक्शन फैमिली हॉबी डे लाइफ विच लैंग्वेज आई विल पिक फेवरेट सब्जेक्ट मॉडल एजाइल मॉडल वाटरफॉल मॉडल मतलब कि आई थिंक ई सी और ट्रिपल ई से बिलोंग करते होंगे माई प्रोजेक्ट डीप रिलेटेड नाइट शिफ्ट एग्रीमेंट योर गु योर गुड आई विल डिस्कस गुड फीडबैक माई विथ माई एच आर नाइस टू मीट यू और लिव द मीटिंग तो जो भी आप लोग वेट जो सोच रहे हैं ना कि सर ड्यूरिंग इंटरव्यू उन्होंने कहा कि वो एच आर से बात करेंगे तो बता दो एच आर से आपका कोई एच आर राउंड नहीं होने वाला बस वो आपसे कंसर्न करेंगे कि इस बंदे को जो है ऑफर लेटर भेजा जाना चाहिए या फिर नहीं कोई राउंड्स का लेकर

काफी कम होता सी एस वालों का भी काफी कम होता है डरने की बात नहीं उप कॉन्सेप्ट कॉलेज लाइफ अबाउट होम टाइम एड वर्सन व्हाट टेक्नोलॉजी यू विल रन इन अपकमिंग डेज बिकम मैकेनिकल वाई शुड यू हायर यू दैट्स ऑल बस कंप्लीट चलिए अब देखते हैं तो इस तरह का कुछ आप लोग का क्वेरी आएंगे फ्रेंड अभी मन में होगा कि सर इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद बता दो फ्रेंड आप लोग जो इंटरव्यू देते हो जब तक कि आपके पास यह मेल नहीं आता तब तक अपने लॉबी से मत हटना जब भी आपके पास मेल आ जाएगा तभी आप लोग लॉबी से लॉग आउट करना लॉबी से लॉग आउट करना ओके फिर देखिए तो योर इंटरव्यू राउंड वज कंप्लीट प्लीज लॉग आउट टू योर सुपरसेंट अकाउंट एंड वेट परसली टू हेयर नेक्स्ट स्टेप यू विल रिसीव अ फर्दर एस ई मेल और एस एम एस कम्युनिकेशन अबाउट नेक्स्ट स्टेप ओके गुड देखो आई विल डिस्कस एच आर पता एच आर से जो बात करने के लिए बोला गया वो एच आर आपको डायरेक्टली कंसर्न करेंगे आपकी आप रिजेक्टेड हो कि सिलेक्टेड हो इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होने वाला सात से दस दिन के अंदर में आपको जो अपडेट देखने को मिल जाएगा ओके okay, सो so, इस इसलिए लाइक इस तरह का आप लोगों का जो है आपको जो है जॉइंट सुपर सेट में आपको देखने को मिलता है कि आपको जो वेट करना पड़ेगा टेंट आपको टें से ट्वेंटी मिनट बिफोर आपको इंटरव्यू के शेड्यूल में आपको जो है ओपन करके लॉबी में वेट करना पड़ेगा ओके तो इस तरह आपको मैसेज भी देखने को आएगा कि आपको फर्दर के लिए वेट करना होगा आपको मेस एम एस एम एस या फिर ई मेल आएगा फ्रॉम द विप्रो टीम और यू कैन से जॉइन सुपर सेट टीम कहीं से आपको एक जगह से देखने को आ सकता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मार्क से मेल आएगा तो सब कुछ आपको प्रोसेस चालू हो जाएगा तो आई थिंक आई डिस्कस ऑल दी पॉइंट ना नॉइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया टी प्लस एच का हो गया चांसेस आज वेरी हाई फॉर गेटिंग सिलेक्शन ओके ठीक है तो यहाँ पर इज एनी नो देर इज नो इंटर एनी राउंड आई थिंक डिस्कस ऑल दी पॉइंट मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में टेलन, हैं जय अगर आपको कुछ क्वाइरी रह रह तो आप लोग मुझे कमेंट करके आप, आप मुझे टॉप मेड डॉट पर भी अपलॉट को बुक करके मुझसे क्वारी को पूछ सकते हो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत